तो हमारे पास यहाँ पे थ्री क्लास ऑफ वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है, एक में नॉर्मल वाटर है, एक में वॉर्म वाटर है. ओके, तो सबसे पहले टेम्परेचर चेक करते हैं इनका. तो फर्स्ट वन इज द कोल्ड वाटर. इन केस ऑफ कोल्ड वाटर वी हैव द टेम्परेचर ऑफ अराउंड 14 डिग्री. इन कोल्ड वाटर वी हैव टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री. नेक्स्ट इज वी हैव अ नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टैप वाटर, एंड द टेम्परेचर रेंज इज 27. सो नॉर्मल इज 27. नेक्स्ट मूव टू वर्ड द हॉट वाटर. हॉट वाटर इट इज जस्ट अ वॉर्म वाटर, एंड इन केस ऑफ वॉर्म वाटर द टेम्परेचर इज 40 डिग्री. तो वॉर्म वाटर टेम्परेचर इज 40 डिग्री. ओके, सो वी आर द थ्री बीकर्स हियर. तो द स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट बेंच विल ट्राई द एक्टिविटी. ओके बेटा, यू नीड टू डिप द टू फिंगर्स, ओके, फ्रॉम बोथ हैंड, वन इन द हॉट एंड वन इन द वॉर्म. ठीक है, जस्ट पुट इट इन द This one is the warm one and this is the cold one. Complete it in this case. Keep it there for one or two seconds. जो fingers इसकी hot water में है, तो इसके fingers का temperature hot है. ठीक है, that is 40 degree. और जो इसकी fingertips cold water में है, उसका temperature कितना है? 14. इसका 14 degree. अब 14 वाले टेम्परेचर को 27 वाला ज्यादा लगेगा, गर्म फील होगा, और 40 वाले टेम्परेचर को ये वाला ठंडा फील. नाउ व्हेन शी पुट बोथ द फिंगर्स इन दिस नॉर्मल वाटर, तो एक हाथ को ये पानी ठंडा फील होगा, एक हाथ को ये पानी गर्म फील होगा. क्लियर? अब बताइए किसको गर्म फील हो रहा है. इसको गर्म फील हो रहा है क्योंकि ये ठंडे पानी से निकली है, और ठंडा किसको फील हो रहा है? इस वाले जो गर्म पानी से फिंगर्स निकली है. अगर मैं इसको डिप करके रखूं अपने बॉडी का टेम्परेचर न्यूट्रल होने तक, कि जो गर्म वाला है गर्म हो जाए और ठंडे वाला है ठंडा. ठीक है, तो इसको थोड़ी देर रखते हैं ऐसे, और अब इसको मैं इसमें रखूँ. तो जो मेरा हाथ गर्म पानी में था उसको ये ठंडा फील हो रहा है, तो ठंडे पानी में था उसको गर्म फील हो रहा है. और यही फिनोमिना होता है हमारे पास ग्राउंड वाटर के केस. ग्राउंड वाटर के केस में क्या होता है, जमीन के पानी का टेम्परेचर, द ग्राउंड वाटर टेम्परेचर इज अराउंड 20 to 25, और इट रिमेन्स 20 to 25 थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल उसका टेम्परेचर यही रहता है. सर्दियों में आउटर टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से हमें वही ग्राउंड वाटर गर्म लगता है, और गर्मियों में आउटर टेम्परेचर 40 अबव होने की वजह से वही ग्राउंड वाटर ठंडा. तो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम. आप लोग ये घर पे जाके ट्राई जरूर करो. यहाँ पे मैं अगर एक एक बच्चे को बुलाऊंगा तो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी गर्म हो जाएगा, बार बार उठने के करते करते. तो डू ट्राई एट योर होम वर्क, ज़्यादा पानी गर्म मत कर देना. ठीक है, ठीक है.